फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए, और वो जो बाजू में घंटी का आइकन है उसे क्लिक करके आप मेरे वीडियो के बाकी अपडेट्स इजीली पा सकते हैं। आप इस तरीके के वेलवेट के कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास कॉटन का कपड़ा है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेलवेट का है। फ्रेंड्स, हम इस तरीके के नेट का यूज करेंगे, इस तरीके के लेस का हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके के लेस का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें पिन की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप इसको अगर आप मशीन से नहीं लगा सकते तो इसे आप ग्लू गन से लगा सकते हैं, फेविकॉल से लगा सकते हैं, या फैब्रिक ग्लू से लगा सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप इस तरीके के फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल कोई मशीन है तो आप इस तरीके के फुट का यूज़ कीजिए। ये राइट और लेफ्ट वाला फुट है, जहाँ पर आपको राइट में सिलाई करना है तो राइट में, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में। ये वो नॉर्मल मशीन्स का फुट है और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का फुट है। फ्रेंड्स, इसे जिपर फुट बोलते हैं, आप इस जिपर फुट को भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। इस तरीके चॉक का इस्तेमाल करेंगे और हमें चाहिए सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बना लेते हैं हमारे भगवान जी का आसन। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा आसन का मेजरमेंट्स है। ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हमने 18 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर लिया है। ये ऑपोजिट ऑपोजिट वाला सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये 20 है और ये 18 है। तो फ्रेंड्स, इस नेट को रख लेंगे। इस तरीके से ये नेट फ्रेंड्स आपको कहीं पे मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो दुपट्टा का नेट हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम इस तरीके से रखेंगे और हम इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है, आधे इंच का हमने यहाँ पर गैप रखा है। तो चलिए हम हमारे लेस को लगा लेते हैं। ये हम इस साइड से लगाएंगे। सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड, यहाँ और यहाँ से सिल लेते हैं। मैं यहाँ पर जिपर फुट का आपको यूज करके दिखा देती हूँ। ये हमारा जिपर फुट का ये साइड वाला लगा है। जब हमें इस साइड पर सिलना होगा तब हम ये वाला यूज करेंगे। तो अभी पहले हम किनारे पर चला रहे हैं तो हम इस साइड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने धागा नीचे रेड लिया है और ऊपर गुड़िया है। फ्रेंड्स, इसी तरह हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे, ये साइड भी और ये साइड भी। इस साइड पर हम ये वाला साइड का फुट यूज करेंगे। तो चलिए हम चारों साइड का सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक आसन के लिए रख लिया है टेबल। अब हम इस पे ये इस तरीके से रख लेंगे, हमने इसके माप का बनाया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ पर दोनों लेस को लगा लिया है। यहाँ पर हमने स्टिचिंग नहीं किया है, यहाँ पर कांच है इसीलिए हमने स्टिचिंग नहीं किया है। आप चाहें तो इस तरीके का, अगर आपके पास लेस हो, अगर आप सिलना चाहते हैं तो कांच को रिमूव कर लीजिए, उसके बाद एक सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद अपने स्टोन को लगा लीजिए। हमने यहाँ पर नहीं किया है,
फ्रेंड्स कि हम इस तरीके से जब रखेंगे तो ये बैठ जाएगा। अभी हम यहाँ पर इस तरीके का स्टोन जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, हम इस तरीके के स्टोन का इस्तेमाल करेंगे। हम ये बॉल्स के एक एक बीच में लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा आसन और भी ब्यूटीफुल हो जाए। इस तरीके के फैब्रिक ग्लू का आपको मिल जाएगा मार्केट में इजीली, या फिर आप बुक शॉप पर ले सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर लेस वगैरह लेते हैं वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा फैब्रिक ग्लू। अब हम यहाँ पर इस तरीके से बीच बीच में एक एक डॉट देंगे। मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से और ये इस तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे, ये अपने आप स्टिक हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं हमारा आसन रेडी हो गया है। जब ये परफेक्ट हो जाएगा, हमने स्टोन लगा दिया है, ये अभी अभी लगाए हैं हम, इसीलिए इस तरीके का लग रहा है। फ्रेंड्स ये जब हम यहाँ पर भगवान जी को बैठाएंगे तब ये बहुत अच्छे से इसे फिट बैठ जाएगा। ये जो टेबल है इससे बराबर से कवर करते हैं चुनरी को। ये हमारा आसन हो गया, अब हम चुनरी बना लेंगे। चुनरी बना लेंगे, लेकिन चुनरी के लिए ये इतना बड़ा नहीं होगा, हम मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। हम यहाँ पर इतना कट कर लेंगे, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। आप ये देख सकते हैं इसका लेंथ लिया है मैंने 15 इंचेस, हम 20 इंचेस तक का कर लेंगे इसे। ये हमारे चुनरी का जो चुनरी होगा ये उसके लिए है इस तरीके से। फ्रेंड्स हम उसी में का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे जो हमने आसन में इस्तेमाल किया था, ये हम इस तरीके के लेस का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके के मनी का। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। पिछले वीडियो की तरह हम यहाँ पर चारों ओर उसी तरह लगा लेंगे और मनी को भी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे रेडी कर लिया है, यहाँ पर हमने पॉल लगा लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाई नहीं चल सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया। हमने यहाँ पर वाइट कलर का पर्ल बीच बीच में लगाया है इसका लुक और अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पर हमने गोल्डन लगाया है। फ्रेंड्स जब ये इस तरीके से आएगा चुनरी तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ये पर्ल भी कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन वाला भी और वाइट वाला भी, और ये लेस भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस तरीके से इसका लुक आएगा। बना लेते हैं, उसके लिए हमें कॉटन की जरूरत पड़ेगी, वूल। ये आपको कहीं भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा। हमने व्हाइट पर्ल लिया है, आप ये देख सकते हैं, मैं इसे क्लोज करके दिखा देती हूँ। और गोल्डन पर्ल का हमने यूज किया है, आप ये देख सकते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी नीडल, हमने बड़े साइज का लिया है। इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं, ये आपको किचन में से मिल जाएगा, जो किचन चाबी का आता है ना उसमें से आपको ये मिल जाएगा, इसे लिया है। और फ्रेंड्स हमने लिया है इस तरीके के डोरी का, ये बहुत स्ट्रांग है डोरी, इसलिए हमने इस तरीके के डोरी का यूज किया है। और हमें जरूरत पड़ेगी एक सीजर की, कर लेते हैं। देखिए हमने व्हाइट कलर का जो धागा था उसे हमने नीडल में डाल लिया है, इसे हमने डबल डालकर यहाँ पर एक नॉट लगा लिया है। इस तरीके से हमने इसे डाला है अंदर।
चलिए फ्रेंड्स, हम इस वूल से हम एक फ्लावर बना लेते हैं। इस तरीके से अपने हाथ पे इसे इस तरीके से पकड़ना होगा और इस तरीके से हम इतना ही बड़ा रखेंगे। किचन के रिंग को हम इस तरीके से लॉक कर लेंगे। सबसे पहले हम इसी को डालेंगे, यहाँ पर हम इसे और एक बार लॉक कर लेंगे। पहले हम इस बॉल को डालेंगे, उसके बाद हम इसे व्हाइट कलर का डालेंगे, एक गोल्डन डालेंगे। इस तरीके से हम इस पॉपकॉर्न का यूज करेंगे। इस तरीके से हम इसे इन दोनों के बीच में लगा लेंगे। इस तरीके से हम अब यहाँ इसी तरह से हम इसका तीन तीन का लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे तैयार कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से है। ये सिंपल तोरण है, आप इजीली इसे बना सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इसी तरह से तोरण भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और कम समय में। तो फ्रेंड्स, अपने हाथ से बनाइए इस फेस्टिवल में और फ्रेंड्स अपने घर को और खूबसूरत से सजाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।